सदर एसडीपीओ कुमार शिवासिस के नेतृत्व में 6 ब्राउन सुगर तस्कर को किया गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर हजारीबाग शिवासिस कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। साथ में सहयोग में कुर्रा थाना पुलिस, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जिला एवं बाराबंकी उत्तर प्रदेश की टीम भी शामिल रही। छापेमारी दल के द्वारा कार्रवाई करते हुए नगवा स्थित लक्ष्मी लाइन होटल के समीप ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री तस्करी करने आए कुल 6 लोगों को पुलिस कर्मियों के द्वारा पकड़ लिया गया। यह सभी 6 अपराधी चतरा जिले के बताए गए। उन लोगों के पास से 4.80 किलोग्राम नशीली पदार्थ ब्राउन शुगर, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 6 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है, एवं स्विफ्ट कार, 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किया गया। बताया गया कि वे लोग एकांत जंगल में ब्राउन शुगर बनाते हैं एवं ऊंचे दामों में बिक्री करते हैं। व्यक्तियों के द्वारा पथलगड्ढा से अफीम की खरीदारी कर अन्य पूरक पदार्थों की खरीद बिक्री कर ब्राउन शुगर बनाकर बिक्री करते थे। हजारीबाग ब्यूरो, आरिफ खान की रिपोर्ट। छापामारी दल बनाए थे जिसमें एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बाराबंकी उत्तर प्रदेश के भी लोग शामिल थे। हमने लक्ष्मी लाइन होटल जो NH-33 पे लोकेटेड है, वहाँ पे हमने अपने छापामारी टीम को रखा था। सामने से हमें एक स्विफ्ट गाड़ी और 2 बाइक, एक शाइन और एक स्प्लेंडर प्लस आते हुए दिखे थे, जिसमें कुल 6 लोग थे। गाड़ी में 2 लोग और दोनों बाइक पे 2 लोग। उनको रोक के जब हमने विधिवत उनकी तलाशी ली तो हमें ये पता चला कि 4 किलो 80 ग्राम ब्राउन शुगर तो हमने जब्त किया। गाड़ी से 2 किलो जब्त की गई और एक बाइक से 1 किलो और दूसरे बाइक से 1 किलो 80 ग्राम को जब्त किया गया ब्राउन शुगर को। इसके अलावा जो 6 अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार किया गया और हमने जो स्विफ्ट गाड़ी थी और जो 2 बाइक थे उन्हें भी सीज किया है। जो अभियुक्त है उसको 6 चतरा जिला से है, 2 सदर थाना क्षेत्र से, 3 पथलगड़ा क्षेत्र से और 1 सिमरिया क्षेत्र से। इसमें आगे और अनुसंधान करेंगे इसके लिंकेजेस कहाँ से आ रहे हैं और इसकी जो अनुमान लगाया जा रहे हैं इसका कॉस्ट होगा, जो रेट का कॉस्ट होगा वो करोड़ों में जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका जो हम अनुमान लगा वो 6 करोड़ 50 लाख का अनुमान लगा। सर, आखिर कहाँ खपाने की व्यवस्था या लोकल मार्केट में लगाना था इसको? देखिए, क्वांटिटी को और पैकेजिंग को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि छोटे छोटे पुड़ियों में लोकल मार्केट में खपाने की ये थी। ऐसा हमें लगता है ये एक बड़े ट्रेड रिंग का पार्ट था जिसे हमें बीच में रोक लिया था, क्योंकि पैकेजिंग और क्वांटिटी अगर लोकल मार्केट्स के होते छोटे पुड़ियों में मिलते, बट बड़े बड़े मात्रा में मिले और बड़े बड़े पैकेजिंग क्वांटिटीज़ में मिले हैं। तो अभी अनुसंधान में और क्लैरिटी आएगी और अगर उस अनुसंधान में हमें लगे कि और लोग भी इन्वॉल्व थे तो उन पर भी कार्रवाई की। क्या लगता सर, चेन कोई ऐसा है जो एक्टिव था यहाँ पर? ज़रूर, मतलब ये अफीम जहाँ से आ रहा है, फिर अफीम को ब्राउन शुगर बनाया जा रहा है, ब्राउन शुगर को फिर ले जाया जा रहा था बेचने के लिए, तो ज़रूर एक चेन है। हमें ऐसा लगता है कि 6 लोग की अरेस्टिंग करके उतनी भारी मात्रा में सीज करके उस चेन के हमने एक बहुत अहम हिस्से को तोड़ा है और अनुसंधान में कोशिश की जाएगी उसके आगे और उसके पीछे जाके और ज़्यादा इस पर कार्रवाई की। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।